हूँ एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर, और हम उपस्थित हैं आपके बीच में। मुद्दतों बाद आज हमारी आपसे मुलाकात हो रही है। दोस्तों, मैं प्रकृति के सानिध्य में था और गांव पे था, और कहा जाता है, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि शहर में तो बारूदों का मौसम है और चलो गांव चलें, अमरूदों का मौसम है। कई पर्व और त्यौहार मनाकर मैंने वापस लौटा, और वापस लौटने के दौरान मैंने प्रकृति के सानिध्य में एक चीज़ पाया कि जो चीज़ें आप बोते हो वो चीज़ें प्रकृति आपको देती है, वही धरती आपको देती है। अमरूद बोते हो तो अमरूद पाते हो, आम बोते हो आम पाते हो, और अगर आप बबूल बोते हो तो बबूल पाते हो। आपको ही बोना है, अपनी मेहनत, अपनी पूरी ईमानदारी से की गई मेहनत, और आप पाओगे निश्चित रूप से स्वर्णिम सफलता। यद्यपि आपको सारी जानकारी है, बहुत सारे लोगों ने, या आप खुद सजग हैं कि अब वैकेंसी की डेट 2 दिसंबर के बाद, निविदा निमंत्रण के बाद निर्धारित होने वाली है, और अभी तक आपकी तैयारी पूरी तरह से सबाब पर होगी, ऐसी आशा हम करते हैं। सही दिशा में आपका कार्य चल रहा होगा, और दोस्तों सही दिशा में मार्गदर्शन ही आपकी सफलता की राहें तय करेगा। अगर सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। तो शुरू करते हैं आज की नई प्रैक्टिस सेट, जो आधारित है आपके करंट अफेयर्स पे। और पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दुनिया में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का खिताब ले चुके शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, जिनका निधन 11 नवंबर 2020 को हुआ, किस देश के प्रधानमंत्री थे? दोस्तों, इनके संदर्भ में इस प्रश्न को तय करने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी था कि इन्होंने जो रिकॉर्ड कायम किया है, 1970 के बाद से ये बहरीन के प्रधानमंत्री पद का कार्य संभाल रहे थे, और इन्होंने एक रिकॉर्ड और किया कि वह दुनिया में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का खिताब ले चुके हैं। तो यह थे किस देश से? तो यह थे बहरीन से। एक पहले का सी आपका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे हम दूसरे प्रश्न की तरफ, और दूसरा प्रश्न जो है वह बड़ा ही चर्चित है, और इसमें कह रहा है कि कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को हाल ही में वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। दोस्तों, जो आयोग का प्रश्न चुनने का जो तरीका है, 7 पेज के डिटेल एनालिसिस हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, और उस डिटेल्स एनालिसिस के दौरान आप पाएंगे कि कभी भी आयोग ने प्रश्नों को सीधा संकलित नहीं किया है। कुछ इधर उधर के प्रश्नों को उन्होंने संकलित किया है, चाहे वह करंट अफेयर्स के प्रश्न रहे हों, और या फिर चाहे वह किसी भी विधा के प्रश्न रहे हों। 6 इकाइयों को आप देख लीजिए, कंप्यूटर से संबंधित, ICT संबंधित कुछ प्रश्न हैं, ब्राउजर वगैरह संबंधित कुछ प्रश्न जो सीधे तौर पे पूछे गए हैं, अन्यथा सारे प्रश्नों को उन्होंने घुमा कर पूछा है, और घुमा कर पूछने की उपेक्षा की भी जाती है, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो वहां पर आपकी विद्वता का परीक्षण तो वो करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर भी यह जो प्रश्न मैंने चयनित किया है, इस प्रश्न के चयन का आधार भी कुछ ऐसा ही है कि कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को हाल ही में वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। इसमें जो सही जवाब होगा दोस्तों, वह होगा सी, लॉकडाउन। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2020 बाय कॉलिंस डिक्शनरी आफ्टर ए शार्प राइज इन इट्स यूजेज ड्यूरिंग द पेंडेमिक। इस पेंडेमिक में इस शब्द का बिलियंस ऑफ पीपल्स ने जो यूज किया, उसके बिहाफ पर जो कॉलिंस डिक्शनरी ने इसको वर्ड ऑफ द ईयर शब्द घोषित किया, वर्ड ऑफ द ईयर इसको लॉकडाउन को घोषित किया। आप समझ चुके होंगे। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि पिछड़े एवं कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने हेतु वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो को बढ़ावा देने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना किसने की?
तो इसकी स्थापना वित्तीय समावेशन का मतलब समाज के पिछड़ी एवं कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना और उनके साथ ही इन सेवाओं का उन लोगों के वहन करने योग्य मूल्य आधारित करना इसका सबसे बड़ा कारण था और इसको स्थापित किया। यहाँ जो चार ऑप्शन आप देख रहे हैं RBI द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, यानी कि तीसरे का ए आपका सही जवाब होगा। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि किस राज्य की विधानसभा ने आदिवासी धर्म कोड को पारित किया, किस राज्य की विधानसभा ने आदिवासी धर्म कोड को पारित किया कर दिया है। इसका जो सही जवाब होगा वह है झारखंड राज्य ने, वहाँ के सरना आदिवासियों के लिए एक धर्म कोड का प्रस्ताव पारित किया है जिसके माध्यम से जब वहाँ पे जनसंख्या 10 वर्षों के बाद जो काउंटिंग होती है उसमें चूँकि जनजातीय लोग कार्य की तलाश में दूसरे जगह पे पलायित रहते हैं तो उनकी ग्रोथ का पता नहीं चल पाता है, उसके लिए भारत सरकार को उन्होंने यह सुधार करने के लिए लिखा है, इस तरह के प्रस्ताव अपने विधानसभा में पारित किया है, तो झारखंड इसका सही जवाब हुआ। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न जो कह रहा है कि हाल ही में 13 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किसके जयंती के अवसर पर मनाया गया है। दोस्तों हम आपको बता दें कि साल 2016 से ही हर साल यह जो है जन्म दिवस मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस के रूप में किसके नाम पर मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है भारत के प्राचीन जो धर्म के जो आयुर्वेद के प्रणेता थे धन्वंतरी, उनके नाम पर यह मनाया जाता है। तो पाँचवें का धन्वंतरी इसका सही जवाब हुआ और यह प्रत्येक वर्ष जो है 2016 से मनाया जाता है। दोस्तों इस तरह के प्रश्न आते रहे हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा और आयुर्वेद के महत्व को बढ़ावा देने के लिए भी आयुर्वेद दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत करी गई है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि भारत की AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि, AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि जो है जिसकी बात यहाँ पर की जा रही है, को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 500 नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रणालियों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। परम सिद्धि को जो यहाँ पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 63वां रैंक प्राप्त हुआ है, 6ठे का सी सही जवाब हुआ। इसके परिणाम के तहत जो है जो AI सुपर कंप्यूटर की बात यहाँ पर की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सम्मिलित करते हुए, और परम सिद्धि को 63वीं रैंक, दो कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर को स्थान मिला है इन 500 में, एक सुपर परम सिद्धि को 63वीं रैंक और मिहिर को 146वीं रैंक प्राप्त हुई है और दोनों सुपर कंप्यूटर को CDAC और राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विकसित किया गया है। परम सिद्धि की जो स्पीड है वह 5.267 पेटा फ्लॉक्स है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हुआ वह 63वां हुआ। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न कह रहा है कि गायों की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने देश की पहली गौ कैबिनेट बनाने का फैसला लिया, सेफ्टी फॉर काउज के लिए किस तरह किस राज्य ने इस तरह का गौ कैबिनेट बनाने का फैसला लिया। चार ऑप्शन यहां पर आपको दिख रहा है और चारों ऑप्शन में चूँकि मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता आपके समय को बचाने के लिए, तो यहां पर जो सही जवाब होगा वह होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने पशुपालन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, वन, गृह और किसान कल्याण के लिए इस तरह की व्यवस्था करी है जिससे कि गौ कैबिनेट के माध्यम से गायों की सुरक्षा को तय किया जा सके। तो यह जो निर्णय लेने वाला जो राज्य हुआ वह हुआ मध्य प्रदेश, 7वें का डी सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नवंबर 2020 में जो उन्होंने रामसर स्थल की इसमें बात की गई है कि भारत की किन दो झीलों को वैश्विक रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। यहाँ पर जो चार यानी 8 झील दिए हुए हैं, दो दो झील को यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर रखा गया है और जिसमें कौन सी झीलें हैं, तो लोनार झील और
कीठम झील जो है उनको रामसर स्थल में शामिल किया गया है। रामसर दोस्तों आप जानते होंगे वेटलैंड से संबंधित या जो एक समझौता हुआ था, रामसर ईरान का एक शहर है और उसी के नाम पर वेटलैंड को रामसर ट्रीटी के नाम से भी हम जानते हैं, रामसर संधि भी इसको कहा जाता है। और जो लुनार झील है जो कि महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में है, जबकि कीठम झील के बारे में हम आपको बता दें कि यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है, यह एक कृत्रिम झील है। जबकि लोनार झील जो है यह खारे पानी की झील है। तो आपको उत्तर स्पष्ट हो चुका होगा। हम बढ़ेंगे नौवें प्रश्न की तरफ और नौवां जो प्रश्न है वह संबंधित है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से और इसमें जो है दे रहा है कि नवंबर 2020 में अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया। इन सारे प्रश्नों से आप निश्चित तौर पर अवगत होंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका में भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के पद से नवाजा गया है और ये सम्मिलित हुई हैं जो बाइडेन, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे जो इस बार राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने यह कहा है कि मुझे बहुत गर्व है कि मैंने कमला हैरिस को इस पद के लिए चुना है और इस तरह से कमला हैरिस इस पद पर चयनित होने वाली प्रथम उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं अमेरिका में। नौवे का सी सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो है वह भारत की किस टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार वह होता है जिसमें बाघों, किसी भी जो पशु हैं उनकी संख्या जब दुगनी हो जाती है, यहाँ पर बाघ के संदर्भ में किया गया है, तो यह इसका जो सही आंसर होगा वह होगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या को 10 वर्षों में दुगना करने की बात थी, जबकि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में मात्र 4 वर्षों में ही बाघों की संख्या जो है वह 25 से बढ़कर के 65 हो गई और इस तरह से यह पुरस्कार पीलीभीत टाइगर रिजर्व को प्राप्त हुआ है। तो दसवें का डी सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा जारी ग्लोबल रिश्वत जोखिम सूचकांक के आधार पर 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें 77वां यानी 77th रैंक जो है भारत को इसमें प्राप्त हुआ है ट्रेस ब्राइबरी रिक्स जो मार्टिक्स 2020 है उसके अकॉर्डिंगली। और इसमें जो भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश, चीन और नेपाल से अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके इस संदर्भ में हम एक बात और भी बता दें कि सबसे कम रिश्वतखोरी रिस्क वाले देश में डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और स्वीडन हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा भारत को 77th रैंक प्राप्त हुआ है। इस तरह से हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में बन रही है। दोस्तों यहाँ भारत की पहले की बात नहीं हो रही है बल्कि एशिया के पहले सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल की बात हो रही है और यह जो स्थान प्राप्त हुआ है यह महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस तरह के मिल का संचालन किया जा रहा है, किए जाने की शुरुआत करी गई है। 12 का सी सही जवाब हुआ। यह मिल महाराष्ट्र के परभणी जिले में स्थापित किया जाएगा, जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल, जो पहली मिल होगी पूरे एशिया में जो सौर ऊर्जा पर कार्य करेगी। बढ़ेंगे हम 13वें प्रश्न की तरफ और 13वें प्रश्न से पहले एक बार पुनः आपको याद दिलाएंगे कि हम अपने चैनल के माध्यम से जो आपका यह असिस्टेंट प्रोफेसर UPSC की जो परीक्षा होने वाली है एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 उसकी तैयारी में लगातार लगे हुए हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से और अपने जो हमारे ग्रुप संचालित होते हैं उनके माध्यम से लगातार हम अपने बच्चों को मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं जिनमें हमने पूरी संकलन जो हमारी प्रैक्टिस सीट की और पूरे इंटायर सिलेबस को कवर करते हुए हम सारे मटेरियल नोट्स, PDF और स्क्रीन वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आपकी अनंतिम सफलता सुनिश्चित हो सके। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं
तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप मैसेज करके हमसे जुड़ने की प्रक्रिया जान सकते हैं और अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं, जिसमें बहुत ही न्यूनतम राशि में आपको ये सारी मटेरियल्स प्रोवाइड की जाएगी जिससे आपकी आनंदित सफलता सुनिश्चित हो सके। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो कह रहा है कि नवंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के खिलाड़ी की न्यूनतम उम्र क्या तय की है। दोस्तों, यह फैसला 19 नवंबर 2020 को लिया गया जिसमें खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह नियम बनाए गए और इस नियम के तहत जो खिलाड़ियों की उम्र तय की गई वह तय की गई 15 वर्ष। 15 वर्ष जो है यह इसलिए की गई जिससे खिलाड़ी के खेलने का अनुभव, मानसिक विकास को देख पाया जाए, जिससे कि वह दबाव झेलने के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का दबाव झेलने में सक्षम है कि नहीं, इस तरह की बातें तय की गई और 15 वर्ष उम्र तय किया गया। 13 का C इसका सही जवाब हुआ। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को हिंद महासागर में संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने मान्यता दी है। भारत ऐसा करने वाला कौन सा देश है? दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने 11 नवंबर 2020 को यह मान्यता दी और यह मान्यता प्राप्त करने के बाद भारत किस देश पर पहुंच गया आप देख लीजिए कि अन्य 3 देश जो हैं इससे आगे हैं जिनको यह मान्यता IMO द्वारा मिली हुई है, अमेरिका, रूस और चीन। यानी कि इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 4th, यानी 14 का A, 4th स्थान प्राप्त हो गया, 4th देश बन गया भारत पूरे विश्व में जिसको कि यह सिस्टम यूज करने का मौका मिला है, जिसके माध्यम से हिंद महासागर में जहाजों के नेविगेशन में सहायता के लिए सटीक सूचना देने के लिए बहुत सारे कार्य मिल जाएंगे। इस तरह से आप भारत को 4th स्थान प्राप्त हो गया। आज हम 15 प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं और आज 15वां प्रश्न जो है आपका यह कह रहा है कि वर्तमान में प्रमुख सोशल साइट्स बहुत सारे सोशल साइट्स हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, तो यहाँ पर कह रहा है कि वर्तमान में प्रमुख सोशल साइट्स ट्विटर पर 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स की संख्या प्राप्त करने वाला इनमें से दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक कौन सा है, केंद्रीय बैंक कौन सा है। दोस्तों, यहाँ पर जो बैंक दिख रहे हैं आपको, चारों बैंक के जो ऑप्शंस दिख रहे हैं उसमें यह उपलब्धि हासिल की है भारत के RBI ने, भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह उपलब्धि हासिल की है। यानी कि 15 का D सही जवाब हुआ। रिजर्व बैंक यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर 10 लाख फॉलोअर के साथ रिजर्व बैंक ने अमेरिका के फेडरल रिजर्व और यूरोपीय केंद्रीय बैंक को पीछे छोड़ दिया है और यह जानकारी दी है शशिकांत दास ने ट्वीट करके। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की स्थिति पूरे वर्ल्ड में बैंक के मामले में भी सुदृढ़ दिखाई देती है। दोस्तों, 15 प्रश्नों की यह श्रृंखला जो यह प्रैक्टिस सेट के साथ में उपस्थित हुआ था यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। साथ ही साथ लगातार हमारे वीडियो अब आते रहेंगे। आपको वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।